तो गाइस वही आगे आपको आने वाले सीन में देखने को मिलेगा कि रावी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, तभी इधर आके उसको बोलती है कि रावी तू वहाँ जाने की तैयारी कर रही है। तो रावी बोलती है कि भाभी मैं अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो मुझे ऑफिस जाना है। तो धरा बोलती है तेरी तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं है रावी, तू कहाँ जाएगी, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ऑफिस जानी। तो रावी बोलती है कि नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं घर पर रहती हूँ तो मुझे भी सेवा की याद आती है बार बार, मैं उसको भुला नहीं पाती हूँ, उसकी यादें मुझे हमेशा साथ आती रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं शायद ऑफिस जाऊँगी तो थोड़ा मुझे अच्छा फील होगा और थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। तभी उसके फ़ोन में धारा देखती है कि अर्णव का फ़ोन आता है, तो रावी को बोलती है रावी तो अर्णव का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो रावी बोलती है भाभी मैं क्या बोलूँ अर्णव को फ़ोन उठा करके कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है, क्या बोलूँ भाभी मैं आप ही बताओ। तो धारा कुछ नहीं बोलती है, तो तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा तू कर, तुझे ऑफिस जाना है तुझे बट 5 मिनट रुक, मैं हम बाज़ार जा कर के सब्ज़ी लेकर के आती हूँ तेरे लिए, फटाफट टिफिन तैयार कर देती हूँ तो ऑफिस चली जाना। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दारा जब मार्केट से सब्ज़ी खरीद के वापस घर की तरफ आती तभी उसकी नज़र अर्णव पे पड़ती है। अर्णव गौतम हाउस के अंदर जाने की कोशिश करता है रावी से मिलने के लिए, क्योंकि रावी उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तो अभी धारा बहुत टेंशन में हो जाती है कि अगर घर के अंदर चला जाएगा, अगर घर के अंदर जाते हुए इसको या फिर घर के अंदर किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग इतने प्रॉब्लम में हैं और अर्णव अगर घर के अंदर चला जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो धारा क्या करती है उसका हाथ पकड़ करके यहाँ रावी के पास वो लेके आती है, बोलती है कि रावी यहाँ नहीं रहती है और चलो मैं रावी के पास तुम्हें ले करके चलती हूँ। तभी वो जब भी गाड़ी के अंदर बैठ के जा रही होती है तब तक अचानक से घर के बाहर शिवा निकलता है और शिवा निकल करके देखता है कि धारा और अर्णव दोनों साथ में जा रहे होते हैं गाड़ी पे और उसके नए वाले घर पे जहाँ अभी धारा और रावी रह रहे हैं। तो शिवा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है कि आज तो भाभी सच उस दिन तो सब कुछ बोल रहे थे, आज फिर ये मेरे साथ में गलत कर रही है, ऐसा पता नहीं क्या हो गया भाभी को मेरे साथ में, तो सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो रही। तो उससे वह बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। तभी धारा अर्णव को लेकर के घर पे आती है तो रावी गुस्से में भाभी को देखती है कि भाभी आपने अर्णव को लेकर के क्यों यहाँ पे आया है। तो धारा बोलती है कि मैंने इसे नहीं लेके आया, खुद तुम्हारे पास आ रहा था तुम। तभी अर्णव बोलता है कि रावी मैं तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, तुम मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। तो रावी गुस्से में बोलती है कि नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है और मुझे तुम्हें पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। तभी रावी गुस्से में बोलती है कि अर्णव तुम्हें क्यों जानना है मेरे लाइफ के बारे में, तुम्हारे पास बहुत सारे वर्क है तो क्या तुम सबके घर पर जाते हो ऐसे सबकी प्रॉब्लम जानने के लिए। तभी अर्णव बोलता है कि पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जान सकता हूँ ना, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मेरे से। तो रावी बोलती है प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को है और वो हमारे फ्रेंडशिप से ज़्यादा वो कुछ और अलग ही सोचते हैं हमारे हम दोनों के बीच में, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई है मुझे। तो अर्णव बोलता व्हाट ऐसा क्या हो गया है शिवा को, तुम डोंट वरी तुम टेंशन मत लो, मैं शिवा से बात करूंगा, मैं उससे मिल करके उसे समझाऊंगा, सब कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तुम फिर अपने घर चले जाना। तो रावी बोलती है कि नहीं ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम शिवा से ना ही मिलोगे ना ही उससे कुछ बात करोगे हमारे बारे में, और आगे से मैं नहीं चाहती कि मेरा जॉब छूटे और मुझे जॉब करना है। तो अर्णव बोलता कि हाँ रावी तुम सही कह रही हो, तुम जॉब करो, बट रावी बोलती है कि अर्णव आज के बाद से हम कभी ऑफिस के बाहर नहीं मिलेंगे, हमारा जो कुछ भी रिश्ता रहेगा वो ऑफिस के अंदर ही रहेगा, हम बॉस और वर्कर है तो बॉस वर्कर की तरह ही रहेंगे, हमें ऑफिस के बाहर या फिर कहीं भी नहीं मिलना है और ना ही तुम हमारे घर के गली के पास में कभी आओगे उस तरफ। तो अर्णव बोलता है जैसा तुम चाहो रावी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और शिवा के बीच में कुछ रिश्ते गलत हो या फिर कुछ मेरी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो। तभी इतना सब कुछ बोल करके अर्णव वहाँ से चला जाता है। सो गाइस ऐसे बहुत सारा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा।